इंतजार इन सबको है कि आखिरकार वो कब होगी। बाकी अब देश के जुड़े का एक साल तक किसान जो है वो उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ता है, नोरित इसका नाम है। हालांकि इन्होंने एक साल तो नहीं माना, इसलिए आपकी जायज बातें जो होंगी उसके लिए सरकार आगे आएगी। कोई भी ऐसा कदम आप ना उठाइए और कोरोना में थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी दबाव बनाएंगे अपने से पहले से ज्यादा तेज। सर अभी हम जो अगर ये सरकारें जाते हैं ना करते हम रोड पे जाने वाले अभी चीज हुई हम रोड पर अगर ये लोग अपने अस्पताल में नहीं होंगे तो हमारी जाने कौन बचाएगा। बीजेपी का कोई नेता एक नोटिस में आ गए, इनसे भी आप पूछिए कि कितना सीरियस मैटर है। हमारे यहाँ पे पोस्टें 4 से 5 हज़ार खाली है, ये आप सर्वे करवा लें इतनी है। और उन्होंने कहा था कि ऐसी आपको मैंने लगाया था कोविड में आपकी ज़रूरत थी और आपको ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको दोबारा रोड पे आना पड़े। उन्होंने जब ये चीज़ कही थी कि आप ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपको रोड पे आना पड़े तो हमने उनका विश्वास किया, तो हमारे साथ हुआ विश्वासघात। 31 तारीख को इन्होंने हमारा टर्मिनेशन निकाल दिया और उसके बाद इन्होंने अभी कल परसों इन्होंने अभी ये बेव आ रही है थर्ड हमारा इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 3 मंथ की एक्सटेंशन हमें दी है। हम सिर्फ यही चीज़ चाहते हैं कि जब हमने जनता का साथ दिया, सरकार का साथ दिया इस कोविड में महामारी में, तो सरकार का ये फर्ज बनता था कि वो अब हमारे लिए सोचे, हमारा साथ दे जब हमें उनकी ज़रूरत है। जब करो मगर इस कोरोना में अपना भी बातचीत का थोड़ा ध्यान रख के आप संघर्ष करते रहिए, जो आपकी जायज़ बात होगी उसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, हम आपका साथ देंगे। दुर्भाग्य ये है कि सर हमारे स्टेट के बेटी बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ, आज देश की बेटी सड़क पर अच्छी है, काफी दिनों से यहाँ पे बैठे हैं, इसपे आप पहले 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 सर इन्होंने हमारी स्टेट पॉलिसी पढ़ाओ फिर टर्मिनेशन हो जाए, टर्मिनेट कर देते हैं ये लोग। अभी ये अपना सिर्फ मतलब निकालने यूज करने के लिए हमें सिर्फ 3 मंथ की एक्सटेंशन है। हमारा सिर्फ ये है कि हमें एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए हमारे लिए जिसमें हमारी एम्प्लॉयमेंट सेफ हो। हम नहीं चाहते हमारे कंपनी में जितने 1600 या 2000 एम्प्लॉयज हैं इनमें से एक भी एम्प्लॉय रह जाए, क्योंकि जब बाहर किसी जब नहीं निकल रहा था ये पॉलिटिशियंस जो सरकार में हैं तब ये कोई भी बाहर नहीं आ रहा था, तो हमने ही आगे आके इनको इनका साथ दिया। आपको कितने साल हो गए टोटल काम करते हैं? सर ये हमारा अभी जब कोविड आया तब अब के कुछ 2 साल हो गए हैं, कुछ साल हो गया सर हमारी बाहर स्टेटों में उन्होंने कंटिन्यू रखा है और परमानेंट का प्रपोजल हमारे सेंटर को भेजा हुआ कि हमारा फर्ज बनता है कि इनका साथ देना। हमारे हम कल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ आपसे मिलने जाते हैं और उनका वहां से जवाब आता है कि अगर ऐसा हो रहा है आप अपनी माइग्रेशन लो और उन स्टेट्स में चले जाओ, आप यहां पे क्या कर रहे हो, हमें इस चीज़ का जवाब दिया जाता है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि सरकार हमारी एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हमारी एम्प्लॉयमेंट सेफ हो। कितने दिनों के दर्द सर हम 1 तारीख से बैठे हुए हैं सर, दिन रात चल रहा है। सर ये एलजी के राज में हमारे हाथ में कटोरे आ गए हैं तो हम अब कटोरा लेके बैठे हैं अपना हक लेने के लिए। अगर पूरे इंडिया में हर बंदे को हक मिल रहा है का इस्तेमाल करने के लिए और बड़ा ही गहरी साजिश यहाँ पे है। ये नारे लगा रहे थे कि एलजी तेरे राज में कटोरे हमारे हाथ में, इनको ये बताने के लिए आया हूँ कि एलजी का राज नहीं, ये मोदी सरकार का राज है, डायरेक्ट कंट्रोल उसका है। जो नौजवानों को इस्तेमाल करके सियासी रोटियाँ सेकते हुए सत्ता तक पहुँचे और पहुँचने के बाद नौजवानों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज चरण सीमा पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जम्मू कश्मीर में है, ये कौन सा बदलाव ये यहाँ के लोग चाहते थे, कौन से प्रशासन यहाँ पे दे रहे हैं इन, ये कोरोना वॉरियर हैं। मैं समझता हूँ जिस वक्त ब्यूरोक्रेट कोई भी बड़े लोग इस हालात में इस बीमारी में गर्व के अंदर चिपके बैठ गए, हाइबरनेशन में चले गए, यही लोग थे जो कोरोना वॉरियर का इस्तेमाल यहाँ पर किया और इन्होंने बड़े ही अच्छे महत्वपूर्ण ढंग से अपना रोल निभाया, सराहनीय कदम है। अखबारों में स्टेटमेंट में तो बड़े अप्रिसिएशन इनको दी जाती है अपनी बाबा लूटने के लिए, लेकिन आज इनके हाथ में कटोरा है, ये दर्शाता है कि सरकार कहीं ना कहीं इन लोगों की अनदेखी यहाँ पे करती है और कंक्रीट पॉलिसी बन जाए। हम भी इसके पक्ष में बतौरे कांग्रेस की सारी लीडरशिप इनकी बात को उजागर करने के लिए पूरी ताकत यहाँ पर झोंकेगी और
एलजी साहब से ये करें कि कंक्रीट पॉलिसी कब तक बनेगी। 6 साल तो इन लोगों को यहाँ पे हो गए, पहले सरकारी में भी यहाँ पे रहे और यहाँ पे गवर्नर राज भी इन लोगों का रहा, प्रेसिडेंट रूल भी यहाँ पे रखा, अब तो 3 साल भी हो गए। भला साहब, एनएचएम की पॉलिसीज के तहत अगर इम्प्लॉयज़ लिए जाते हैं तो उनको दर बदर नहीं किया जा सकता, फिर ये क्या पॉलिसी है कि मतलब पॉलिसी एनएचएम इम्प्लॉयज़ भी हैं और फिर भी रोड पर हैं? इनकी पॉलिसी है कहाँ पर? सिर्फ इस्तेमाल करने की पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो, लेकिन नौजवानों के जज्बात के साथ खेलने हम नहीं देंगे। आज इनको मजबूर करेंगे कि जो आंकड़ा आप देते थे कि सबसे बड़ा विकास होगा, कौन सा विकास यहाँ पे है? सबसे बड़ा विकास होगा, हर चीज़ यहाँ पे विजिबल दिखाई देगी, आसमान नीचे ला देंगे, एक एक करके ऑलरेडी ही लोग जो है महंगाई की कमर के माध्यम से उनका चूल्हा जलना मुश्किल हो गया, वहाँ पे बेरोजगारी पे लड़कियों के हाथ में कटोरा, यहाँ पे देखिए ये सिंबॉलिक नहीं, ये दर्शाता है कि अंदरूनी हालात कैसे हैं। ये नौजवान मेहनत करके यहाँ पे काम करते हैं, दिन और रात नहीं देखते, मरीजों की बड़े अच्छे ढंग से सेवा की है, समाज इनका ऋणी है और हम इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरी ताकत दोगे। कि अभी तमाम एम्प्लॉयज़ को भी दिए गए होंगे और बहुत मुश्किल होता है, अभी इन्होंने बीबी किट पहने, लेकिन एक पेशेंट के सामने बीबी किट पहन कर जाना, अपनी जान जोखिम में रखना और उसके बाद अगर खुद संक्रमित होंगे तो आइसोलेट होना, इनको सर्टिफिकेट के माध्यम से बिल्कुल बहला दिया गया और ये कहा गया कि देखिए स्थायी नौकरी नहीं है तो आगे कहाँ जाएंगे? ये स्वास्थ्य विभाग अगर इनको नौकरी नहीं देगा तो व्यवस्था नहीं चलना। अब समय आ गया है थोड़ी देर के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सुनवाई कहीं नहीं, यहाँ पे प्रेजिडेंट रूल है, यहाँ पे राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं, यहाँ पे कोई एमएलसी नहीं, कोई एमएलए नहीं, तो इनकी बात कौन रखेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पे रियासत का दर्जा अगर वापस फौरी तौर पे दे दें तो बात की सुनवाई तो होती, अपने लेवल पे हम लोग यहाँ पे करवाते। आज इन चीज़ों के माध्यम से मैं समझता हूँ नौजवानों को जो ठेस पहुँची है कि जीएमसी के बाद ये प्रदर्शन कर रहे हैं हाथ से कटोरे लेके, और हम सब लोग इनके आवाज़ के साथ, इनकी सुर के साथ अपना सुर भी मिलाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे और मजबूर करेंगे कि नौजवानों के अंदर की अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगी।